तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कान्हा कंपटीशन क्लास एक मालपुरा के यूट्यूब चैनल कान्हा क्लास एक मालपुरा पर। राजस्थान के त्योहारों की इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कार्तिक महीने के त्योहारों की। कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष में सबसे जो महत्वपूर्ण त्योहार आता है वो आता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। इस दिन मनाया जाता है करवा चौथ, या इसी को बोलते हैं कर्क चतुर्थी। करवा चौथ कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष में चौथ चतुर्थी को। राजस्थान के जितने भी हिंदुओं के त्योहार पूछेगा उसमें तिथि वो आपको दे देगा, यानी नाग पंचमी कब मनाई जाती। अब मनाई तो पंचमी को ही जाएगी, लेकिन किस महीने के किस पक्ष में है वो याद रखना पड़ेगा। तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी करवा चौथ, इसके बाद में सीधे आ जाओ कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी या तेरस। इस दिन मनाया जाता है धनतेरस। इसी दिन वैद्य धन्वंतरी की पूजा की जाती है, वैद्य धन्वंतरी की पूजा। इस दिन धातु खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन विशेष रूप से जिस धातु को खरीदना शुभ माना जाता है वो है चांदी, यानी चांदी खरीदना शुभ। जैसे कोई सी भी धातु खरीद सकते हो, लेकिन चांदी का विशेष महत्व है, चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। इसके जस्ट अगले दिन आता है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। इस दिन मनाया जाता है रूप चतुर्दशी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को स्वच्छता का त्योहार, सुंदरता, इसलिए नाम है इसका रूप चतुर्दशी, सुंदरता एवं स्वच्छता का त्योहार। इसी दिन मनाई जाती है छोटी दिवाली, यानी दिवाली से एक दिन पहले का दिन है ये, तो ये हो गई छोटी दिवाली, या इसी को कहते हैं काणी दिवाली। कब मनाया जाएगा? कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। इसके जस्ट अगले दिन आएगी अमावस्या, कार्तिक अमावस्या। इस दिन मनाया जाता है दीपावली, दीपदन अवली, अवली का अर्थ होता है पंक्ति। तो किस दिन? कार्तिक अमावस्या को दीपावली। इसके बारे में सबको पता है क्यों मनाई जाती है, क्या कारण है। अब पढ़ते हैं इसका शुक्ल पक्ष। अमावस्या को दीपावली आ गई, दीपावली के जस्ट अगले दिन होती है गोवर्धन पूजा, कार्तिक शुक्ल एकम। इस दिन होती है गोवर्धन पूजा, और इसी दिन मंदिरों में अन्नकूट बांटा जाता है, यानी इसी दिन मनाया जाएगा अन्नकूट महोत्सव। कब? दीपावली के जस्ट अगले दिन, शुक्ल पक्ष की एकम को। फिर आता है कार्तिक शुक्ल द्वितीया, और इस दिन त्योहार मनाया जाता है भाई दूज। इसी दिन मनाया जाता है यम द्वितीया, कार्तिक शुक्ल द्वितीया। इसके बाद आ जाओ कार्तिक शुक्ल नवमी। इस दिन का त्योहार मनाया जाता है आंवला नवमी। आंवला का आयुर्वेद में विशेष महत्व है, इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, इसी को कहा जाता है अक्षय नवमी। कब? भाद्रपद शुक्ल नवमी को। अब ये हो गया। अब आषाढ़ के अंदर देवता सोए थे, जागना कब है? 4 महीने बाद। तो आषाढ़, सावन, भाद्रपद और कार्तिक, कार्तिक महीने की एकादशी, शुक्ल पक्ष में सोए थे, शुक्ल पक्ष में जागेंगे। तो ये आ गई कार्तिक शुक्ल एकादशी। इस दिन आता है देव उठनी ग्यारस।
और ये भी एक अबूझ सावा, अबूझ सावा, यानी इस दिन किसी के पास जाके मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अंत में आता है कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, इस दिन पुष्कर का मेला भरता है। पुष्कर सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को का मेला, राजस्थान का सबसे रंग बिरंगा मेला पुष्कर मेला। इसी दिन है गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जयंती, ये अपने कार्तिक महीने के त्योहार है। अगला महीना है मार्गशीर्ष, जिसमें कोई विशेष त्योहार नहीं आता है। मार्गशीर्ष यानी मंगसर, इसमें कोई विशेष त्योहार नहीं आता है। इसके अगला आता है पौष, पौष में एक त्योहार आता है पौष अमावस्या। पौष अमावस्या इसको मनाते हैं सोमवती अमावस्या, सोमवती अमावस्या। इस दिन राजस्थान में एक मेला भरता है सुइया मेला चौहटन बाड़मेर में, जिसको अर्ध कुंभ की संज्ञा दी गई है। ये पौष महीने का मुख्य त्योहार। अब आता है माघ, माघ में एक विशेष त्योहार आता है शुक्ल पक्ष में, माघ शुक्ल पंचमी, और इस दिन मनाते हैं बसंत पंचमी। बसंत पंचमी इस दिन होती है सरस्वती की पूजा, विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा कब की जाती है, माघ शुक्ल पंचमी को, बसंत पंचमी के दिन। ये हो गए माघ तक की। अब आता है अंतिम महीना फाल्गुन, अंतिम महीना आ गया फाल्गुन। और फाल्गुन में मुख्यतः दो त्योहार है, एक तो आता है कृष्ण पक्ष में, सभी देवताओं को याद कर लिया, अब एक बचे महादेव। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, और इस दिन आता है महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि कब आएगा, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। इसी महीने में एक अबूझ सावा और आएगा, वो आएगा फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में, क्योंकि फाल्गुन शुक्ल द्वितीया, और इस दिन आएगा फुलेरा दूध, या कह दो फुलड़ा दूध, फुलेरा या फुलड़ा दूध, और यह भी क्या है, अबूझ सावा। और इसी महीने में अंतिम दिन कार्तिक पूर्णिमा को आती है होली। ये हो गए राजस्थान के प्रमुख त्योहार। एक आती है मकर संक्रांति, मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी, पहले 14 जनवरी को आया करती थी, वर्तमान में वैसे तो 15 जनवरी है, लेकिन अब शुरू से 14 मनाते आ रहे हैं, आधे 14 को मना लेते हैं, आधे 15 को मना लेते हैं, तो 14 या 15 जनवरी मकर संक्रांति महोत्सव, पतंग महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है, पतंग महोत्सव जयपुर, मकर संक्रांति को पतंगें उड़ाई जाती है, तो पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का। ये हो गए अपने राजस्थान के त्योहार।